हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे एक यूआई डिजाइन फोटोशॉप के अंदर। अब इससे पहले हम लोग आज का ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, पहले तो ये समझ लेते हैं कि यूआई डिजाइन क्या होता है और एक यूआई डिजाइनर क्या करता है। यूआई, ये जो टर्म है यूआई डिजाइनर में, दिस स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस एक ग्राफिकल लेआउट होता है कोई भी वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन का। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती है, जैसे बटन जो एक यूजर क्लिक करता है, टेक्स्ट जो एक यूजर रीड करता है, इमेजेस, सर्च ऑप्शंस, स्लाइडर्स, ट्रांजिशंस, यूआई एनिमेशन, बेसिकली ऐसी चीजें जिसके साथ एक यूजर इंटरैक्ट कर सकता है। और एक यूआई डिजाइनर का काम होता है इन चीजों को डिजाइन करना, और वही है जो डिसाइड करता है कि एक वेबसाइट या कोई भी एक एप्लीकेशन जो वो डिजाइन कर रहा है वो कैसा दिखेगा। और एक यूआई डिजाइनर को इससे रिलेटेड काफी सारे अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कलर्स कौन से यूज करें, बटन्स का शेप्स कैसा हो, कौन सा टेक्स्ट या कौन सा फॉन्ट यूज करें। बेसिकली अ यूआई डिजाइनर क्रिएट्स अ लुक एंड फील ऑफ एन एप्लीकेशन और अ वेबसाइट यूजर इंटरफेस। सो आई होप ये छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि एक यूआई डिजाइन क्या होता है। सो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं एक बहुत ही सिंपल सा बट एलिगेंट लुकिंग यूआई डिजाइन फोटोशॉप के अंदर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग फोटोशॉप के अंदर और स्टार्ट करते हैं क्रिएट करके एक न्यू डॉक्यूमेंट। जो मैं डॉक्यूमेंट साइज ले रहा हूँ वो है विद 1920 और हाइट होगी 1080, रिजोल्यूशन 300 और जो कलर मोड है वो है सेट RGB पे और 16 बिट्स पे सेट है। इसे मैं नाम देता हूँ गेमिंग UI, क्रिएट। अब जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैंने बस अभी एडिटिंग के लिए मैंने डार्क कर दिया है, बट हम लोग जो बाद में चेक करेंगे तो हमें इसे वाइट बैकग्राउंड पे ही चेक करना है। सो अभी के लिए मैं डार्क ग्रे पे सेट कर देता हूँ और इसे अनलॉक करके मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू सॉलिड कलर। इसे एक अच्छा सा ब्लैक कलर हम लोग दे देते हैं, ओके। और जो लेयर है इसे डिलीट कर दूंगा और इसे रीनेम कर दूंगा BG, दैट इज बैकग्राउंड, ठीक है। अब मैं पहले तो ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने एक PNG कटआउट करके ऑलरेडी रखा हुआ है इस पर्टिकुलर इमेज का। और अगेन तुम लोग ये कंप्लीट जो प्रोजेक्ट फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो ताकि तुम लोग फॉलो अलॉन्ग कर सको। जैसे जैसे हम लोग इस ट्यूटोरियल के साथ आगे बढ़ेंगे तुम लोग भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे और जैसे भी मुझे चाहिए मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। सो मैं इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा थोड़ा सा नीचे मूव करके। ऑलराइट, फिर अब हल्की सी डेप्थ क्रिएट करने के लिए अब मैं सेलेक्ट करूंगा एलिप्स टूल और क्रिएट करूंगा एक सर्कल शिफ्ट होल्ड करके कुछ इस तरीके से। और जो स्ट्रोक है उससे मैं काफी बड़ा कर दूंगा तो मैं इसे सेट करता हूँ अराउंड 150, लुक्स गुड। और इसे मैं हमारे इमेज के पीछे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, इसे मूव कर दूंगा और प्लेस करूंगा जैसे हमें चाहिए। ऑलराइट, सो मैं एलिप्स को सिलेक्ट करूंगा, जाऊंगा इफेक्ट्स में और ऐड करूंगा एक ग्रेडियंट ओवरले, इसे क्लिक करेंगे। और जो लाइट कलर है उसे मैं पिक अप करूंगा यहां से, एक हल्का सा लाइट शेड दे देंगे। और जो डार्क शेड है उसके लिए मैं शैडो एरियाज में से पिक कर लूंगा एक डार्कर शेड, बट मुझे थोड़ा सा इंटेंस कलर चाहिए। सो कुछ इस तरीके से काफी अच्छा दिख रहा है। और जो स्टाइल है वो सेट है लीनियर पे, एंगल 90 डिग्रीज, और जो स्केल है वो सेट है 120 पे, ठीक है, लुकिंग गुड। मे बी मैं एंगल को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ, सो मैं इस एंगल को हल्का सा रोटेट करूंगा और तुम लोग देख सकते हो हमने जो कलर लिया है वो इस तरीके से है। इसे मैं स्केल अप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, अब एक सेपरेशन और डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा हमारा जो PNG सब्जेक्ट है, जाऊंगा इफेक्ट्स में और ऐड करूंगा ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो के लिए मैं कलर पिक अप करूंगा यहां से जो कि है इसके शैडोज, और इंटेंसिटी काफी बढ़ा देंगे। जो साइज है उससे भी मैं हल्का सा बड़ा कर दूंगा सेट, ओके। तो
जो ओपेसिटी है उसे हम लोग सेट कर देते हैं अराउंड 60 पे और साइज़ को सेट कर देते हैं 105 पे। और मैंने नॉइज़ भी डाला हुआ है हल्का सा 2% का, ताकि हमें कोई भी कलर बेंडिंग्स ना मिले। सो इससे हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो हमें एक सेपरेशन मिल जाता है सर्कल और हमारे सब्जेक्ट में, और एक हल्का सा ग्लो ओवरले क्रिएट हो जाता है। सो मैं इसकी जो स्प्रेड है या साइज़ है उसको मैं 120 के अराउंड सेट कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा वाइड स्प्रेड इफेक्ट चाहिए। सो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब एक एक्सेंट ऐड करने के लिए, सर्कुलर एक्सेंट ऐड करने के लिए मैं एलिप्स को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जे हिट करूँगा डुप्लीकेट करने के लिए, जो कॉपी है उसे मैं नीचे मूव कर दूँगा, कंट्रोल टी हिट करूँगा और इसे मैं शिफ्ट होल्ड करके स्केल कर सकता हूँ। शिफ्ट और ऑल्ट एक समय पे, एक टाइम पे हम लोग होल्ड करेंगे और इसे स्केल अप कर देंगे, ठीक है। फिर मैं सेलेक्ट करूँगा एलिप्स टूल और इसकी इसका जो स्ट्रोक है उसे मैं सेट कर दूँगा 300 पे, एंटर करके अप्लाई कर दूँगा। फिर मैं जाऊँगा ग्रेडियंट ओवरले में, हमें ग्रेडियंट नहीं चाहिए, सो इसे मैं बंद कर दूँगा और ऐड करूँगा कलर ओवरले। और इसके लिए मैं लूँगा एक हल्का सा डिफरेंट कलर फ्रॉम द बैकग्राउंड। सो अभी हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक लुक मिल रहा है। अब बिफोर हम हमारे एलिमेंट्स या टेक्स्ट ऐड करें, मैं इसे हल्का सा कलर करेक्ट कर देता हूँ। उसके लिए मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर और मैं ऐड करूँगा फोटो फिल्टर, एक कूलिंग फिल्टर ऐड करूँगा, वन ऑफ माई फेवरेट इज़ द कूलिंग फिल्टर LBB, और इसकी जो इंटेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा है अभी के लिए, सो मैं इसे कम कर दूँगा, अराउंड 13 लुक्स गुड। और फिर मैं क्रिएट करूँगा एक कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर, ताकि हमें एक हल्का सा कॉन्ट्रास्ट मिल जाए कुछ इस तरीके का। और फाइनली मैं PNG सेलेक्ट करूँगा, जाऊँगा फिल्टर शार्पन और ऐड करूँगा हल्का सा शार्पन, सो हमें जो डिटेल्स है वो काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगी। तो तुम लोग देख सकते हो पहले ये कुछ ऐसा था और हमने हल्का सा कलर करेक्शन करके इसे काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लुक डेवलप कर लिया है। सो अब जाके हम लोग हमारे जो टेक्स्ट है वो ऐड कर सकते हैं, बट टेक्स्ट ऐड करने से पहले मुझे एक ग्रिड क्रिएट करना है। सो मैं जाऊँगा व्यू में, न्यू गाइड लेआउट, जो रोज है उसे मैं सेट कर दूंगा 0 पे और जो कॉलम्स है मैं 12 का कॉलम्स बना रहा हूँ, सो मैं इसे सेट कर दूंगा 12 पे। फिर मैं सेलेक्ट करूँगा हमारा टेक्स्ट टूल है और हम लोग सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे हमारा टॉप बार जो कि होता है मेन्यू बार। सो सबसे पहले मैं कंपनी का जो भी नाम है वो ऐड ऑन कर देता हूँ। सो मैंने सेलेक्ट किया है एक्सट्रीम गियर्स और जो फॉन्ट है उसके लिए मैं लूँगा लेट्स गो विथ प्राइम टाइम। इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल कर दूंगा, अराउंड 6 या अराउंड 7 लुक्स गुड। और जो एक्सट्रीम टेक्स्ट का कलर है उसे मैं सेट कर दूंगा एक अच्छा सा ऑरेंज कलर पे। सो ये हो गया हमारा मेन गेम का नाम जो कि है एक्सट्रीम गियर्स। फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें कितने टैब्स ऐड ऑन करने हैं हमारे वेबसाइट पे। सो सबसे पहला तो होगा होम सेक्शन, सो इसे सेट कर दूंगा होम पे नॉट गोम। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट है वो मैं लूंगा नेक्सा, आई गेस नेक्सा बोल्ड या नेक्सा हैवी ले लेते हैं। जो साइज है उसे मैं सेट कर दूंगा 6 पे और बाकी सब तो ठीक है, मे बी अराउंड 5 पे सेट कर देता हूँ। ऑल राइट, सो स्पेसिंग है उसे मैं सेट कर दूंगा 20 या अराउंड 50। ओके, फिर मैं ऑल्ट होल्ड करके इसका डुप्लीकेट बना दूंगा, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दूंगा इस तरीके से और इसे मैं दूंगा हम ये होगा नाम हमारे अगले यू नो मेन्यू बार का। सो इसे हम लोग नाम दे देंगे न्यूज़ और जो कलर है एक्चुअली हम लोग इसे मेन्यू बार भी नहीं कहेंगे, इसे नेविगेशन टैब्स कहेंगे बेसिकली, और इसे मैं नाम दे दूंगा शॉप। अब ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सी टाइप की वेबसाइट बना रहे हो, उस पर क्या क्या सेक्शंस और नेविगेशन टैब्स तुम्हें ऐड करने हैं। सो इसे मैं नाम दे दूंगा एपिक एडिशन।
सो काफ़ी सारी चीज़ें आखिर मैटर करती है जब भी हम कोई भी यूआई डिज़ाइन बना रहे हैं, हमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, उस चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर मैं इसे हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि होम सेक्शन पे है अभी हम लोग होम पेज पे है, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और फिर इसमें हम लोग वही कलर ऐड करेंगे जो हमने होम सेक्शन के लिए लिया हुआ है, जो कि है ये अच्छा सा एक ऑरेंज कलर। ओके, स्ट्रोक को सेट कर दूंगा 0 पे और फिल पे ऐड करूंगा मैं वो ऑरेंज कलर। तो काफी अच्छा दिख रहा है। अब मुझे एक सर्च सेक्शन भी डालना है, सो उसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगा राउंडेड रेक्टेंगल टूल और क्रिएट करूंगा हमारा सर्च सेक्शन। जो राउंडनेस है उसे मुझे काफी हाई रखना है कुछ इस तरीके से। और जो कलर है, अगेन मैं सिलेक्ट करूंगा हमारा जो ऑरेंज कलर थीम है, इसे मैं सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, और इसके अंदर बेसिकली मैं ऐड ऑन कर दूंगा एक सर्च आइकन। ये जो आइकन है ये मैंने डाउनलोड किया था फ्लैटिकॉन से, जहां से हम लोग फ्री में आइकन्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा अगेन डिस्क्रिप्शन में। सो यहां पे आ गया हमारा सर्च आइकन, और फिर मैं ऐड ऑन करूंगा हमारा जो मेन टेक्स्ट है। सो मैं सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट टूल, और जो फॉन्ट मैं सिलेक्ट करूंगा वो होगा चैम्पियन गॉथिक। मैं अगेन लिंक दे दूंगा हर एक फॉन्ट की डिस्क्रिप्शन में, जो भी मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। फिर मैं टाइप इन करूंगा, इसकी साइज जो है वो काफ़ी बड़ी कर देंगे, स्पेसिंग 0 पे सेट कर देंगे, और इसे हम लोग कहेंगे x47। इसे मैं प्लेस कर दूंगा कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग जाएंगे एफएक्स में, ऐड करेंगे एक ग्रेडियंट ओवरले, और इस बार मैं इसे सेट कर दूंगा 90 पे। जो कलर है वो जो लाइट कलर है उसे मैं सेट कर दूंगा एक हल्के से ग्रे पे, और इसे मैं सेट कर दूंगा काइंड ऑफ अ डार्क ग्रे कलर पे। और फिर मैं इसे हल्का सा नीचे मूव कर दूंगा कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग जो स्केलिंग है उसे भी थोड़ा बढ़ा देंगे 80 पे। सो अब ये काफ़ी अच्छा और एक अच्छी सी डेप्थ क्रिएट हो रही है यहाँ पे। फिर मैं इसे ऑल्ट होल्ड करके इसका एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इसे मूव कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इसका जो फॉन्ट है वो हम लोग चेंज करेंगे, सेट कर देंगे नेक्सा पे, नेक्सा बोल्ड पे, लुक्स गुड। एंड इसकी जो साइज है वो मैं सेट कर दूंगा अराउंड, लेट्स गो विद समथिंग लाइक 12, यप। और फिर मैं हमारी जो टैग लाइन है या कोई और टेक्स्ट जो भी तुम्हें ऐड करना है वो ऐड ऑन कर सकते हो, मे बी और छोटा 8 के आसपास। स्पेसिंग बढ़ा देंगे हल्की सी, तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब मैं इसे स्पेसिंग को हल्की सी बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। और फाइनली हम लोग एक बटन ऐड करेंगे नो मोर के लिए। सो अगर तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पर्टिकुलर गेम की, तो तुम लोग उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके या उस बटन पे क्लिक करके और इन्फो निकाल सकते हो, या और इन्फो तुम्हें मिल जाएगी। सो मैं ये बटन को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, इसे प्लेस कर दूंगा यहाँ पे, और इसकी जो राउंडनेस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी करनी है। सो मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, इसे मैं बड़ा कर दूंगा, और हमारा जो भी टेक्स्ट है वो ऐड कर दूंगा। और फिर इसे हम लोग छोटा कर देंगे अराउंड 5, या फिर हाँ इसे भी कम कर देंगे अराउंड 4 या 3.5 एक्चुअली। स्पेसिंग को हल्का सा हम लोग बड़ा कर देंगे। फिर मैं इन दोनों एक्चुअली जो बैकग्राउंड है उसे मैं लॉक कर दूंगा, और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके मैं अलाइन कर दूंगा कुछ इस तरीके से। मेक श्योर करो कि दोनों भी लेयर सिलेक्टेड हो, और इन्हें प्रॉपरली हम लोग अलाइन कर देंगे। एंड देयर वी गो। फाइनली मैं इसमें हल्का सा एक ड्रॉप शैडो ऐड करूंगा, जिसे हम लोग ग्लो के जैसे यूज कर सकते हैं। सो ड्रॉप शैडो के लिए मैं फिर से एक अच्छा सा ऑरेंज कलर ले लूंगा, जो ओपेसिटी है उसे 100% पे करके जो साइज है उसे मैं थोड़ा सा ट्वीक करूंगा कुछ इस तरीके से।
ऑल राइट, चाहिए तो मैं स्ट्रोक की जो साइज़ है उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 3 पिक्सल्स पे। और अब अगर मैं हमारे जो गाइड जैसे हाइड कर दूँ, तुम लोग देख सकते हो हमारा जो यूआई डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। सो इस तरीके से कुछ सिंपल स्टेप्स यूज करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं काफी सिंपल बट एलिगेंट सा यूआई डिजाइन फोटोशॉप के अंदर। और अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट है पोस्टर डिजाइन में या टेक्स्ट डिजाइन में, तो मेक श्योर करो कि तुम मेरी फोटोशॉप ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। सो दैट इज अ रैप गाइस, आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं अच्छा लगा तो उस कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्यों नहीं अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।